नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पीएम मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी में ऐसा कुछ देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल पीएम मोदी के दौरे से पहले ही यहां रास्ते में पड़ने वाली एक सफेद रंग की बुला नाला कर्ण घंटा मस्जिद को रातों रात गेरुआ रंग में रंग दिया गया, जिसके बाद अब जब सुबह लोगों की नजर पड़ी तो हर कोई मस्जिद के बदले रंग को देखकर हैरान हो गया, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी जाहिर की। मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद विवाद बढ़ा तो इस मामले को लेकर अब प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और फिर से मस्जिद को सफेद रंग से रंगा जा रहा है। दरअसल वाराणसी के बुलानाला इलाके में सड़क किनारे काफी पुरानी मस्जिद है, इसे बुलानाला मस्जिद भी कहते हैं। इसका रंग सफेद था। आरोप है कि प्राधिकरण ने हल्का गेरुआ रंग रातों रात पेंट करा दिया। इससे मस्जिद से जुड़े लोगों ने काफी विरोध जताया और इसे प्राधिकरण का तानाशाही रवैया बताया। वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कहा था कि वो एक रूपता लाने की कोशिश कर रहा है। मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मजाजिद कमेटी के मोहम्मद एजाज इस्लाही ने बताया कि मस्जिद का रंग रातों रात बदल दिया गया। अगर कुछ करना ही था तो एक बार पहले बात कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि मनमानी और तानाशाही है। पहले उनकी मस्जिद सफेद हुआ करती थी, जो अब केसरिया रंग की हो गई है। उन्होंने बताया कि इस पर आपत्ति भी उन्होंने दर्ज कराई और डीएम से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर कार्यालय में भी आपत्ति दर्ज कराई गई कि ये रंग गलत है, जिसके बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।